देखें जी, अच्छा, कैपिटल बजटिंग के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर मेनली हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है, आईआरआर हमें कैलकुलेट करना होता है, पे बैक हमें कैलकुलेट करना होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्यूटी, परपीचुटी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर होती है। ये बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह ये है कि एमए के अंदर ये टॉपिक जब स्टूडेंट को पढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद आगे एफएम में इस टॉपिक पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जिसकी इस टॉपिक की ग्रिप अच्छी होती है वो वहाँ पर एफएम में उसको बहुत आसानी होती है, और वहाँ पर एनपीवी का सवाल आता है, आईआरआर का सवाल आता है एडवांस लेवल के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट को कि ये टॉपिक है क्या। तो हम रैंडमली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला सवाल हमारा है, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो उसकी हमें क्या करनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस, ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस वो निकालने पड़ेंगे। ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, और उसके लिए हमें एक डिस्काउंट रेट दिया जाएगा। वो डिस्काउंट रेट के मुख्तलिफ नाम होते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, उसको हम इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, डिस्काउंट रेट कहा जाता है। अब एनपीवी निकालने के लिए पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो कैश फ्लो हर साल आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं या सेम है। तो देखें, कॉस्ट ऑफ एसेट बॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है इमीजिएटली, और इमीजिएटली का मतलब होता है ईयर जीरो। आज ही हमारी कॉस्ट लगेगी, 80,000 की मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और मुझे हर साल 25,000 का एनुअल कैश इनफ्लो आएगा हर साल। कितने साल तक आएगा, 8 साल का आएगा। तो ये जो 25,000 पर एनम दिया हुआ है ये है एन्यूटी, कांस्टेंट कैश फ्लो पर एनम। अब हमें क्या करना है, पहले हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 25,000 वन टिल 8 इयर्स, 8 साल में, ठीक है। स्क्रीन शेयर दोबारा मैं कर देता हूं, स्क्रीन शेयर। कंफर्म करें स्क्रीन शेयर हो रही। अब बताएं, अब शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर का कंफर्म करें, हो रही है ना, चले उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 25,000 की, जो कि एनुअल कैश फ्लो है कांस्टेंट, जो कि एन्यूटी है। अब आपको सबसे पहले निकालना है एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी फैक्टर निकालने के लिए आपको, हम नॉर्मली क्या करते हैं एन्यूटी फैक्टर निकालने के लिए, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एन्यूटी कैलकुलेट करने का। हम टेबल की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कौन से रेट के ऊपर एन्यूटी फैक्टर लेंगे, हम लेंगे 5% कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखेंगे, हम 5% को 1 टिल 8 या फॉर्मूला लगा देंगे एन्यूटी फैक्टर का। तो हमारे पास एन्यूटी फैक्टर आ जाएगा इसका 6.463, 6.463 1 to 8 ईयर्स का। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 25,000 की एन्यूटी है,
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.463 से, तो फ्यूचर कैश फ्लोस की हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 161575, 161575, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर लिया, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। अब इनिशियल कॉस्ट इसमें से हम माइनस कर देते हैं, इनिशियल कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है 80,000 की, 80,000 की कॉस्ट लगाकर हमने कितना बेनिफिट कमाया 81575, 81575 की एनपीवी, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब हम क्या लेते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट फीजिबल है, हमारी इन्वेस्टमेंट वायबल है, ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, इसका बेनिफिट जो है वो कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 8157 पॉजिटिव ये आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन में कभी भी एनपीवी निकालने को दिया जाए और कांस्टेंट कैश फ्लोज हो तो एन्यूटी फैक्टर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनपीवी से रिलेटेड है। कैश फ्लोज जब भी एनपीवी निकालने के लिए लेते हैं तो वो रेलेवेंट कैश फ्लोज होते हैं। एनपीवी की कैलकुलेशन में जो कैश फ्लोज लिए जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैश फ्लोज मस्ट बी रेलेवेंट कैश फ्लोज। रेलेवेंट कैश फ्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, वो कैश फ्लोज जो प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो। अगर हम वो प्रोजेक्ट लगाएंगे तो कैश फ्लो इनकर्ड होगा, अगर हम वो प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो कैश फ्लो इनकर्ड नहीं होगा। ऐसा कैश फ्लो जो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट हर हाल में लगना ही है वो रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं होता। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर रेलेवेंट फॉर एनपीवी कैलकुलेशन। सवाल देखते हैं, अ कंपनी इज प्लानिंग टू ओपन अ न्यू स्टोर इन अ न्यू लोकेशन, एन इनिशियल साइट इवैल्यूएशन हैज टेकन प्लेस एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 एंड अ स्टोर लोकेशन हैज बीन फाउंड। अच्छा, हमारा काम क्या है, हम स्टोर खोलना चाहते हैं, हम ये नहीं फाइंड आउट करना चाहते कि लोकेशन कहां पर होगी, हम तो स्टोर खोलना चाहते हैं। तो ये जो 5,000 का अमाउंट हमने इवैल्यूएशन के लिए दिया है क्या ये रेलेवेंट है? नो सर। अच्छा, चेक कैसे करेंगे? चेक ऐसे करते हैं सर, क्योंकि पहले इनकर्ड हो चुका है ना, जो न्यूली इनकर्ड होगा वो होता है ना रेलेवेंट। हाँ, लेकिन इसको चेक करने का एक तरीका है, अगर हम ये प्रोजेक्ट नहीं करते तो ये 5,000 लगेगा, अगर हम ये प्रोजेक्ट करते हैं तब भी ये 5,000 लगेगा। अगर दोनों केसेस में ये लग रहा है तो हम कहेंगे ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, ये पास्ट कॉस्ट हो गई, नॉट रेलेवेंट हो गई। या तो ये पास्ट कॉस्ट है या इसको हम क्या कहेंगे, ये संक कॉस्ट है। अच्छा जी, अच्छा, अब अगर हम स्टोर ओपन करते हैं तो हम स्टोर रेंट के ऊपर लेंगे, ये रेलेवेंट हो गया 9,500, और उसे हमें रिफर्बिश करना पड़ेगा। रिफर्बिश करने का मतलब है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टिप टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो टिप टॉप करने की जो कॉस्ट है क्या वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी? यकीनन जब प्रोजेक्ट लगाएंगे तो ही तो टिप टॉप करेंगे ना, वरना टिप टॉप करने की क्या जरूरत है। तो वो भी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि 9,500 ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है, ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है, आंसर होगा 2 और 3। अब इससे हमें क्या आइडिया हुआ कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर रेलेवेंट और इररेलेवेंट का कॉन्सेप्ट भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल होता है, कभी कभार बंदा फंस जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ क्लियर हो जाता है। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू टू द नियरेस्ट डॉलर। क्या हमारे पास कैश फ्लो कॉन्स्टेंट है? अगर कॉन्स्टेंट हुए तो हम एन्यूटी लगा देंगे, अगर कॉन्स्टेंट नहीं हुए तो टेबल बना के कैलकुलेट कर लेंगे। Let's see. Company is deciding whether to launch a new product. The initial outlay and the forecast possible annual cash flows are shown below. अच्छा, एक चीज बता दूं मैं, आप लोग अभी स्टार्ट में इसी से कि बिल्कुल बिगनिंग में हो ये पढ़ रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद एक पेपर आगे आएगा FM, उसके बाद एक आएगा ऑप्शनल पेपर AFM जो कि लेते हैं स्टूडेंट। इसमें NPV का टॉपिक है, इसमें एनपीवी का टॉपिक 20 मार्क्स का आता है,
इसमें एनपीबी का टॉपिक पे बाज दफा 50 मार्क्स का सवाल भी बन जाता है। दैट शोज के कोई भी टॉपिक हो, अगर वो आगे सीरीज के अंदर इम्पॉर्टेंट है तो उसको आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी तरह से पक्का करके जाना है, ताकि आगे आसान रहे, अगले पेपर में हेल्प मिलेगी उससे, अगले पेपर में जाकर हेल्प मिलेगी, ये ग्रेजुअली मुश्किल होता चला जाएगा। अच्छा जी, ईयर जीरो में हमारी इन्वेस्टमेंट है, ईयर वन का इनफ्लो, ईयर टू का इनफ्लो, ईयर थ्री का इनफ्लो। अब डिस्काउंट फैक्टर चाहिए हमें, उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? 1+r/n, ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम 1/(1+discount rate) 0.08 पावर चेंज करते जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एक होता है एन्यूटी फैक्टर, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा, जीरो पे फैक्टर क्या होता है? 1। आंसर क्या आया? -60,000। फर्स्ट ईयर का फैक्टर निकालते हैं, पावर कर देते हैं 1, 0.926, 0.926। सेकेंड ईयर का फैक्टर निकालते हैं, 0.857। थर्ड ईयर का फैक्टर निकालते हैं, 0.794। ठीक है जी, ये आ गए फैक्टर। फ्यूचर कैश फ्लोस को फैक्टर से करना है मल्टीप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू आएगी 21622। फिर फ्यूचर कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 24939। 27,800 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.794, 22073। तो ईयर जीरो तो प्रेजेंट वैल्यू में दिया हुआ है, ईयर वन को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, टू को कन्वर्ट किया, थ्री को कन्वर्ट किया, और इसको हम नेट कर लेते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी। पॉजिटिव आएगी तो जिंदाबाद प्रोजेक्ट लगाएंगे, नेगेटिव आएगी तो प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। 8634, 8634 की मेरे पास आ रही है एनपीवी, 8634 इज दी आंसर। ठीक है जी, यहाँ आ गया हमारा 8634। नियरेस्ट डॉलर का मतलब है, अगर डेसिमल में आंसर आता तो हम उसे राउंड ऑफ करके नियरेस्ट डॉलर में लिख देते। तो ये एक और हमने एनपीवी का सवाल कवर किया। अच्छा, अब आईआरआर क्या होता है, कोई बताएगा आईआरआर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आईआरआर? वो जो डेफिनेशन होती सर, है ना, जहाँ पे जी सर जी ठीक एनपीवी की वैल्यू जीरो होती है। हाँ है, सही है। आईआरआर जी सर, वो डिस्काउंट रेट होता है, इज दी डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इज जीरो। ठीक है जी, ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन आपको एक और डेफिनेशन बताता हूं, वो भी ध्यान में रखें। आईआरआर इज दी प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर उस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होता है, बेनिफिट जो उस प्रोजेक्ट से हमें हासिल होगा। एनपीवी भी बेनिफिट है, आईआरआर भी बेनिफिट है। आईआरआर क्या होता है? आईआरआर हमें बेनिफिट परसेंटेज में बता रहा होता है। एनपीवी और आईआरआर में क्या फर्क है? एनपीवी आपको परसेंटेज में आंसर नहीं बताता, आईआरआर आपको परसेंटेज में आंसर बताता। यही रीजन है कि हम आईआरआर को किससे कंपेयर करते हैं, हम आईआरआर को कंपेयर करते हैं कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्यों कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्या वजह है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस प्रोजेक्ट से 15% रिटर्न कमाया। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जब मैंने 15% कमाया है तो इस 15% को अर्न करने की कॉस्ट क्या थी, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कि हमने बैंक से पैसा लिया होगा, शेयर होल्डर से पैसा लिया होगा, उसको क्या देना है? अगर ये ज्यादा है,
सपोज कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, आपने किसी से 10% पे पैसा लिया, उससे आगे एक प्रोजेक्ट लगाया, वो आपको 15% रिटर्न दे रहा है, तो अगर IRR ज्यादा होगा तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा फीजिबल, और अगर IRR कम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी, तो प्रोजेक्ट हो जाएगा नॉट फीजिबल। ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखें। अब IRR निकालते कैसे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैश फ्लो कांस्टेंट है कांस्टेंट नहीं है, लेकिन IRR निकालने के लिए हमें NPV निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब हम एक्सेल के ऊपर तो सॉल्व कर नहीं रहे, या हमें इतनी इजाजत नहीं है कि हम डायरेक्ट एक्सेल के ऊपर एक फंक्शन लगा दें, IRR निकाल दें, तो हमें लंबे चौड़े प्रोसेस से IRR निकालना पड़ता है। इस सवाल में करते हैं, व्हाट इज द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखें जी, प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, लाइफ दी हुई है 5 साल, ईयर जीरो के ऊपर इनिशियल कॉस्ट है हमारी 75,000, कैश फ्लो हमारे आ रहे हैं एनुअल सेविंग्स ही फॉर्म में, लेबर की कॉस्ट हमें सेव होगी 20,000, अदर कॉस्ट सेव होगी 5,000, टोटल एनुअल सेविंग होगी पर एनम 25,000। कितने साल तक होगी, 5 साल तक, यानी कि 1 till 5 25,000 पर एनम आएगा। एनपीवी ऑलरेडी निकाल कर दी हुई है, एनपीवी निकाल के दी हुई है 15% के ऊपर 8,800। अच्छा, एनपीवी का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15% पे एनपीवी निकली है 8,800, तो अगर मैं 16% करूंगा तो क्या होगा, एनपीवी बढ़ेगी या कम होगी 16% के ऊपर। सेवनटीन पे क्या होगा, 18 पे क्या होगा, 19 पे क्या होगा, 20 पे क्या होगा। तो जैसे जैसे रेट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, एनपीवी क्या होगी, एनपीवी कम होगी। अब हमें एक एनपीवी निकालनी है नेगेटिव, तो मैं रेट बढ़ाता हूं, ठीक है, मैं एनपीवी कैलकुलेट करता हूं एट 20%, ठीक है, 20% पे निकालता हूं, तो एनुअल सेविंग्स आ रही है मेरे पास 25,000, 25,000, एन्यूटी फैक्टर लगाता हूँ 1 till 5 का एट द रेट ऑफ 15, एट द रेट ऑफ 20%, तो वो एन्यूटी फैक्टर है 2.991, 2.991 इज द एन्यूटी फैक्टर 20% के ऊपर, तो 25,000 एन्यूटी है, 2.999 प्रेजेंट वैल्यू आ गई 74,975 इनफ्लो। इनिशियल कॉस्ट कितनी है, इनिशियल कॉस्ट है 75,000, इसका मतलब है एनपीवी कितनी हो गई, एनपीवी हो गई माइनस 25, एनपीवी हो गई माइनस 25। अब देखें, एनपीवी 20% के ऊपर माइनस 25 है, अच्छा ये आंसर आना चाहिए 225, आंसर गलत आ रहा है, 225 आना चाहिए, क्योंकि मेरा जो फैक्टर है ना, वो फैक्टर है गलत लिया हुआ मैंने, 2.991 है, तो ये बन जाएगा 74,775, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और ये हो जाएगा 225, ठीक है। अब देखें, 20% के ऊपर ये क्लोज टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में एग्जैक्ट 20% तो IRR नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो नहीं हो रहा, जीरो करने के लिए इसे 20 से आगे लेके जाना पड़ेगा या लाना पड़ेगा, 20 पे माइनस है, आगे तो जा नहीं सकते, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो डिस्कार्ड कर दिए। 15% के ऊपर ऑलरेडी एनपीवी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 16 पे तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं इसको भी, मैं तुक्का मार रहा हूं, ठीक है, इसको भी हटा देता हूं, इसका मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो आंसर 18 के आसपास आएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं IRR का,
आईआरआर का फॉर्मूला होता है लोवेस्ट रेट। लोवेस्ट रेट कितना है? 15% वो लेते हैं हम। फिर लोवेस्ट के ऊपर एनपीवी लेते हैं 8,800 पॉजिटिव। फिर इसको दोबारा कॉपी करते हैं नीचे, फिर माइनस साइन फॉर्मूले का माइनस एनपीवी प्लस 225। फिर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हायर रेट 20% माइनस लोअर रेट 15%। ये आईआरआर का फॉर्मूला होता है। आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, 15% प्लस 8,800 डिवाइडेड बाय 8,800 प्लस 225 प्लस 0.05, तो ये हो जाता है 1.025। ठीक है, दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। एट थाउजेंड एट हंड्रेड, 8,800 प्लस 225 मल्टीप्लाई बाय 0.05 प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 100। होल आंसर जो है ना ये नहीं आ रहा, होल आंसर आ रहा है 19.875। ठीक है, 20% पे तो आंसर आ नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पर इत्तेफाक ऐसा है कि हमें अप्रोक्सीमेट में 20 ही लेना पड़ेगा, क्लोज 18 नहीं आ रहा। ठीक है, 19.87 को जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो वो 20 बनेगा, 18 तो बन नहीं सकता, इसलिए हम 20% आंसर को सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि 20% पे एनपीवी जीरो नहीं आ रही, लेकिन क्लोज टू अप्रोक्सीमेट आंसर। और अगर ये ब्लॉक एग्जाम में ये ब्लैंक दिया हुआ होता तो फिर आगे लिखा हुआ होता कि उसको हम नियरेस्ट कहाँ तक लेकर जाएंगे। ठीक है, 1% तक लिखा हुआ होगा, अकॉर्डिंगली जो भी लिखा होगा वो ले लेंगे। अच्छा जी, एनपीवी हो या आईआरआर हो या पे बैक मैथड हो, ठीक है, ये सारे मेथड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एनपीवी हो, आईआरआर हो या पे बैक हो, ये प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अप्रेजल करते हैं इससे, हम इवैल्यूएट करते हैं प्रोजेक्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्या ये तीनों मेथड कैश फ्लो इस्तेमाल करते हैं? इनमें कॉमन बात क्या है? ये तीनों मेथड कैश फ्लो बेस्ड होते हैं, तीनों के लिए कैश फ्लो चाहिए होता है, प्रॉफिट से नहीं निकलते ये। तीनों का क्राइटेरिया होता है, एनपीवी का अलग क्राइटेरिया है, आईआरआर का अलग क्राइटेरिया है, पेबैक का अलग क्राइटेरिया है। इसमें ये जो पेबैक है ये प्रोजेक्ट का रिटर्न नहीं बताता, उसका रिकवरी टाइम बताता है। पे बैक का प्रॉब्लम ये है कि पे बैक हमें ये नहीं बताएगा कि प्रोजेक्ट से हमने कितना कमाया, पे बैक बताएगा कितने साल में इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हमने कर ली। ठीक है, अब देखें सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सवाल में क्या दिया हुआ है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट आईआरआर की बेसिस के ऊपर तो फीजिबल है। पेबैक कितने साल में हो रहा है? 4 साल में पेबैक हो रहा है, 4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगी। तो क्या कोई क्राइटेरिया है कि पेबैक 5 साल का होना चाहिए, 6 साल का होना चाहिए, 7 साल का होना चाहिए? पे बैक को हम कंपेयर किससे करेंगे? हाँ जी, पे बैक जब निकालते हैं तो उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं? एनी आइडिया? सर एनुअल कैश फ्लो नहीं, एनुअल कैश फ्लो से नहीं करते, एनुअल कैश फ्लो से नहीं करते। ओके सर, पे बैक को कंपेयर करते हैं टारगेट पे बैक से। कंपनी का एक अपना टारगेट पे बैक होता है, ठीक
जैसे इसको ऐसे समझे कि आप ये कहते हो कि भाई मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, मुझे इन्वेस्टमेंट 3 साल के अंदर रिकवरी चाहिए, या आपने अपना टारगेट रख दिया कि मेरा टारगेट 3 साल का। अब आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर उसका पेबैक 3 साल या उसके अंदर आएगा तो एक्सेप्ट कर लोगे, उससे ज्यादा होगा तो रिजेक्ट कर दोगे। ये क्राइटेरिया होता है। कंपनी अपना टारगेट पेबैक खुद सेट करती है, कंपनी को पता होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द पेबैक इज लेस देन 5 ईयर्स, सो द प्रोजेक्ट शुड गो अहेड। ये किसने कहा भाई, कहाँ से आया ये? ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर 5 साल से कम होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है IRR इज लोअर देन द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो प्रोजेक्ट शुड नॉट गो अहेड। अच्छा, IRR को हम इससे कंपेयर ही नहीं करते, IRR को तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हैं, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। यही क्राइटेरिया मैंने ऊपर बताया, ये क्राइटेरिया अच्छी तरह से समझे। चौथा क्या है, द IRR इज पॉजिटिव, सो द प्रोजेक्ट शुड गो अहेड। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये NPV में सही होता, NPV पॉजिटिव आती तो हमेशा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा। IRR पॉजिटिव आने से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता, IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आना चाहिए तब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा। तो इस ग्राउंड के ऊपर आपको आइडिया क्लियर होगा, तो थ्योरी का कोई भी सवाल पूछ लिया जाएगा तो स्टूडेंट उसको आराम से सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर आइडिया क्लियर नहीं होगा तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। सर आप थ्योरी की भी रिवीजन करवाओगे? देखिए, जिस जिस टॉपिक में जितनी थ्योरी होगी ना, वो क्वेश्चन वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे, जैसे NPV के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, IRR के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं वो होते ही थ्योरी वाले टॉपिक, जैसे बजटिंग है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक जी सर। है, चलें आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। नेक्स्ट थ्योरी का सवाल देखें, IRR की थ्योरी, IRR की थ्योरी पे बात करते हैं। देखिए, IRR को अगर मैं सेपरेटली, डिस्कस करूँ ना उसकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आर भी मिलता जुलता है। तो सिमिलैरिटी क्या है इसके अंदर, IRR और NPV में कुछ सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ कंसिडर कैश फ्लोस, ये सिमिलैरिटी है। अच्छा, दोनों में प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, तो बोथ कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसको कहते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, दोनों में प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। दोनों में से अच्छा कौन है, अगर हमें ये चूज करना पड़े कभी कि NPV ज्यादा अच्छा है या IRR ज्यादा अच्छा है, तो क्या होगा, कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो हम NPV को हमेशा क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे ओवर IRR। ठीक है, इसके रीजन है, NPV ज्यादा अच्छा मेथड है एज कंपेयर टू IRR। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि बाज दफा प्रोजेक्ट ऐसा आ जाता है, उसके कैश फ्लोज ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट के मल्टीपल IRR आ रहे होते हैं। हमें ये प्रूव नहीं करना कैसे आते हैं, लेकिन आ सकते हैं, जैसे 10% पे भी IRR आ रहा है और 38% पे भी IRR आ रहा है। ये हम सॉफ्टवेयर के जरिए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, तब दो दो IRR भी आ सकते हैं। तो अगर दो IRR आ गए तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन तो हमारा गलत हो जाएगा। NPV में ये मसला नहीं होता, NPV या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, NPV में झगड़ा नहीं है। अब देखते हैं सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IRR आर ट्रू। एग्जाम में ये एंटिसिपेट करके जाएं कि ये सवाल NPV पे भी आ सकता है, पेबैक पे भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है।
पहला, IRR कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या IRR में प्रेजेंट वैल्यू होती है? यस होती है, वन ठीक हो गए। दूसरा देखें, अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा NPV शुड बी पॉजिटिव, होनी चाहिए, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो फायदा, और फायदा होने का मतलब NPV पॉजिटिव होनी चाहिए। अगला देखें, इट इज पॉसिबल फॉर वन इन्वेस्टमेंट टू हैव टू IRR, क्या दो IRR आ सकते हैं? यस आ सकते हैं, मल्टीपल IRR आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर गलत हो गया, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो इससे रिलेटेड कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, शुड बी पॉजिटिव। अगर यहां लिखा हुआ होता ऑलवेज पॉजिटिव तो हम कहते नहीं, ऑलवेज गलत हो जाएगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि NPV भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन इस लेवल के ऊपर IRR अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आ रहा है तो NPV शुड बी पॉजिटिव वाला आंसर ठीक समझ लिया जाएगा, राइट? तो थ्योरी में इस तरह के ट्विस्ट आ जाते हैं, उसको संभालना है। एक और थ्योरी का सवाल देखते हैं। देखें जी, व्हाट इज एन इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट का नाम बताएं, ऐसा इंटरेस्ट रेट दैट इंक्लूडेड्स द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग नोन एज, ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसके अंदर कंपाउंडिंग का इफेक्ट शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसमें कंपाउंडिंग का एलिमेंट शामिल होता है उसका नाम बताएं कि क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखें, सिंपल इंटरेस्ट में तो कंपाउंडिंग होती नहीं है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो गया। अच्छा यहां लिखा हुआ है अफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, हालांकि स्टूडेंट इसको टिक लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसके अंदर कंपाउंडिंग का इफेक्ट हो। अच्छा नॉमिनल किसको कहते हैं? जो बैंक आपको कोट करता है, जो बैंक आपको बताता है स्टेटेड रेट। स्टेटेड रेट क्या होता है? आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक को लोन दिया, उसने कहा 5% इंटरेस्ट दूंगा क्वार्टरली। तो ये जो स्टेटेड रेट होता है ना, 5% क्वार्टरली, 5% सेमी एनुअली, इसको कहते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब हम निकालते हैं अफेक्टिव रेट, कि अगर 5% क्वार्टरली मिल रहा है तो एनुअल क्या होगा, ये हम काम करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एनुअल क्या होगा। तो हम कहते हैं 5 + 5 + 5 + 5, 4 मरतबा मिलेगा। लेकिन पहली मरतबा जब मिलेगा तो उसके अंदर कंपाउंडिंग शामिल हो जाएगी, इसलिए 5 + 5 + 5 + 5 से ज्यादा आंसर आ रहा होगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट, जब हम इंटरेस्ट रेट में इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाता है अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मैं अफेक्टिवली साल में कितना मिले, देखें आपको हर क्वार्टर पे 5% दे रहा हूं मैं, हर क्वार्टर पे 5% दे रहा हूं, हर क्वार्टर पे 5%, चौथे क्वार्टर पे 5%। जब ये 5% आपको मिला तो ये दोबारा इन्वेस्ट हो गया, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। फिर उसके ऊपर भी 5% मिला, ओरिजिनल पे भी 5% मिला, फिर उसके बाद वो दोबारा ऐड हो गया, ये कंपाउंडिंग चल रही है। इसलिए इसका आंसर टोटल से ज्यादा आ रहा होता है, जिसको हम फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ हमारा डी। चलें अनदर क्वेश्चन। अच्छा मैंने MTQs जो है ना वो भी सॉल्व करके 3 क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर किए थे, तो वो अगर MTQs देखने तो MTQs आप वहां से देख सकते हो। मैं आज सिर्फ सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा MTQs, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी। सर आप थोड़े से मॉक्स वगैरह भी शेयर कर देना उस पे ग्रुप पे, जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह से हो गए। आप लोगों को टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मॉक, हाँ जी सर, जब आप मॉक की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो ना, उससे पहले आपको क्या करना होता है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, ठीक है?
सर मैंने सर वो किया ना, मैंने डिसाइड किया हुआ सर, मैं 15 अगस्त से पहले सर पेपर दे दूंगा। फिर आपसे मॉक शेयर कर लेंगे। हाँ जी सर, आप मॉक ग्रुप पे शेयर कर देना। चलें आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। देखिए इस सवाल में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस सवाल में हमें कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। अच्छा एक एडवाइस मैं आपको दूं कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक, कितने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे? आपके पास कैपलन की किट है, आपके पास बीपीपी की किट है, आपके पास स्टडी हब पे रिसोर्सेज मौजूद है। आप लाखों सवाल भी करके चले जाओगे ना, आपके पास कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा ना तो एग्जामिनर आपको रियल एग्जाम में फंसा देगा। कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पे बैक क्या, आप 5 सवाल सॉल्व कर लो, छठा सवाल मैं ऐसा बनाऊंगा कि आपको कंफ्यूज कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि व्हाट इज पे बैक, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सारी चीजें पे बैक के बारे में अगर पता है, अब एग्जामिनर सवाल दे दे हम निकाल लेंगे, मसला ही नहीं, हम इसी पे काम करेंगे। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 400,000 इन न्यू मशीन, एक नई मशीन खरीदनी है कंपनी को। मशीन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ओवर द नेक्स्ट 5 years एज फॉलोज। क्या दिया हुआ, ये आ गया मसला, हमें प्रॉफिट को ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट से तो पे बैक निकलता ही नहीं है। पे बैक किससे निकलता है, पे बैक तो निकलता है कैश फ्लोज से, प्रॉफिट से तो नहीं निकलता। अब हम कैसे निकालें, तो पहले हम प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे कैश फ्लोज के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट को कैश फ्लो बनाने के लिए, हम प्रॉफिट लेंगे, उस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। अगर कैश फ्लो का टॉपिक F3 में पढ़ा है किसी ने तो ये वहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कैश फ्लोज बन जाते हैं। अब हमें ये 5 साल के प्रॉफिट दिए ना, ठीक है, हमें टोटल डेप्रिसिएशन निकाल कर इसमें ऐड कर देना है, या हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल के ऐड कर दें, जैसे करना चाहे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मेथड चाहिए, देखते हैं मेथड क्या दिया हुआ। नो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड इन द मशीन विल बी सोल्ड, इट इज कंपनीज पॉलिसी टू डेप्रिशिएट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ वैल्यू ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर, स्क्रैप वैल्यू दी हुई। अब देखें डेप्रिसिएशन 1 साल का निकालते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये हर साल का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा, कॉस्ट हमारी है इनिशियल 400,000 माइनस 50,000 की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 ईयर की लाइफ, पर एनम डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 350 डिवाइडेड बाय 5, 70,000 ईच ईयर पर एनम, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 3,50,000। अब हम इसको कॉलम बना लेते हैं इसका, देखें ईयर कैश फ्लो, पहले इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे हर साल को, फिर क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस, और फिर पे बैक निकलेगा। तो देखें जीरो पे 400,000, जीरो पे क्या आ गया, माइनस 400,000, तो ये भी माइनस 400,000। पहले साल हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 175,000, उसमें 70,000 ऐड कर दो, 175,000 उसमें 70,000 ऐड कर दिया, कितना प्रॉफिट हुआ, 2,45,000 का इनफ्लो, कैश फ्लो में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से ये रिकवरी दिखा दो, 400,000 माइनस 2,50,000 माइनस हो गया 1,50,000, इसका मतलब है 1 साल से ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, 1 साल से ज्यादा है, ये तो ऑटोमेटिकली मैंने इलिमिनेट कर दिया, 1 साल से तो ज्यादा है। आगे बढ़ता हूं, अगले साल प्रॉफिट कितना है, 225 में 70 ऐड कर देता हूं, कितना हो गया, 295 का कैश फ्लो। अब इसको देखें,
150 का आउटफ्लो है, 295 का इनफ्लो है, तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव हो गया। तो पे बैक एक और दो के दरमियान है, ठीक है, पे बैक एक और दो के दरमियान है। अगर डेसिमल में आंसर करना होता तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, 1 ईयर एंड डेसिमल में आंसर लिखूंगा पहले, तो पहले साल के ऊपर जो माइनस में वैल्यू आई है वो मैं न्यूमरेटर में लिखता हूं ऊपर, और जिससे मैंने ऑफसेट करना है वो डिनोमिनेटर में लिख देता हूं नीचे, और इसके साथ में मंथ नहीं लगाता ना, तो आंसर आएगा डेसिमल में 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2,95,000 प्लस 1,1,508 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन में मुझे मंथ्स चाहिए, तो मंथ्स के लिए मैं क्या करूंगा, 1 ईयर 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2,95,000 मल्टीप्लाई बाय 12, मंथ्स के लिए मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आंसर हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 295 मल्टीप्लाई बाय 12, 6.1, 1 ईयर। अच्छा अब 6.1 है तो नियरेस्ट क्या है, 6.1 है तो नियरेस्ट हमें देखना पड़ेगा कि नियरेस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमें तो नियरेस्ट देखना है ना, और नियरेस्ट आंसर जो भी होगा उसको चूज कर लें, राउंडिंग ऑफ का भी फर्क देखना पड़ेगा हमें क्या आंसर आ रहा है। तो हमें आंसर मंथ्स में करना है या डेसिमल में करना है, दोबारा देख लेते हैं, हमें आंसर ईयर्स में करना है, ठीक है। अगर मंथ्स में करना होता तो मैं लिखता इसका आंसर 1 ईयर एंड 7 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा आंसर आ रहा है, लेकिन ईयर्स में करना है तो 1.508 आ रहा है, 1.51 कर दें, ये आ गया 1.5 ईयर्स। सो आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया सी। चले एक और सवाल हम ट्राई करते हैं। अनदर क्वेश्चन, देखें जी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक करें, व्हाट इज द रेलेवेंट एनुअल नेट कैश फ्लोस, रेलेवेंट कैश फ्लोस फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट 1,000 में आंसर करना है, रेलेवेंट कैश फ्लोस, क्या रेलेवेंट कैश फ्लोस हमारे पास जो आ रहे होते हैं उसकी कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कैश फ्लो होता है, तो हम कहेंगे नहीं, डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कैश फ्लो नहीं होता। क्या पास्ट कॉस्ट संक कॉस्ट रेलेवेंट कैश फ्लो होती है, तो हम कहेंगे नहीं होती। इसी तरह फ्यूचर में कॉस्ट है लेकिन वो कमिटेड है, तो क्या कमिटेड कॉस्ट रेलेवेंट होगी, कभी भी नहीं होगी। क्या इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज रेलेवेंट होंगे, तो हम कहेंगे यस, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। क्या फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट होगी, क्या फिक्स कॉस्ट कभी रेलेवेंट हो सकती है, नो सर, हो सकती है, फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट हो सकती है, ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल होगी तो क्या होगी, रेलेवेंट। आप एक एग्जांपल सुने, हमने ऑलरेडी एक फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है, उसका रेंट हम दे रहे हैं, अब हम नंबर ऑफ यूनिट जितने भी बना रहे हैं रेंट तो हमें उतना ही देना है, फिक्स कॉस्ट हो गई। हमने कहा कि हम एक और फैक्ट्री रेंट पे लेते हैं, तो अब उस फैक्ट्री लगाने का जो हमारा डिसीजन है उसकी वजह से ये जो एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ रही है ये इंक्रीमेंटल है, ये रेलेवेंट बन जाएगी। तो
तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी रेलेवेंट, तो हम क्या कहेंगे? फॉल्स, फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट हो सकती है। अब इस सवाल को देखें, इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट होगी। जैसे सर स्टेप अप फिक्स कॉस्ट हो गई, वो हो गई रेलेवेंट है ना? हाँ रेलेवेंट होगी, बिल्कुल रेलेवेंट होगी। हाँ जी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखें। सैंडविच क्वीन इज लुकिंग टू एक्सपेंड इट्स रेस्टोरेंट फैसिलिटीज टू इंक्रीज इट्स सीटिंग कैपेसिटी अ फर्दर 40%। क्या करने जा रहे हैं हम अपनी जगह को एक्सपेंड कर रहे हैं, सीटिंग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, 40% से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये हमारा करंट ईयर का रिजल्ट है, जिसमें हमारी सेल्स है 370 की, कॉस्ट है हमारी 280 की, और हमारे कैश फ्लोज आ रहे हैं करंट ईयर के 88,000। सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज इन लाइन विद सीटिंग कैपेसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सीटिंग कैपेसिटी हम इंक्रीज करेंगे, हमारी सेल्स भी इंक्रीज होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। दी अदर कॉस्ट आर 40% फिक्स्ड। जो अदर कॉस्ट है वो 40% फिक्स्ड है। जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो तो इन लाइन इंक्रीज होगी। जैसे फूड कॉस्ट वेरिएबल है, ड्रिंक कॉस्ट वेरिएबल है, स्टाफ कॉस्ट देखनी पड़ेगी। अदर कॉस्ट 40% फिक्स्ड, 20 का 40% फिक्स्ड, यानी कि 8 तो फिक्स हो गई। एन एक्स्ट्रा एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व द एक्स्ट्रा सीटिंग कैपेसिटी। देर आर करेंटली 4 एम्प्लॉयज ऑन एन इक्वल वेज। हमें एक एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा। वो जो 4 स्टाफ हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, उस 4 स्टाफ को तो हम सैलरी दे ही रहे होंगे ना ऑल टुगेदर, उसका हम क्या करें? क्या वो रेलेवेंट होगी 4 स्टाफ की सैलरी? वो तो देनी है हर हाल में, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर रेलेवेंट निकालेंगे, तो जो वेरिएबल होगी वो रेलेवेंट है, जो फिक्स्ड है वो रेलेवेंट नहीं होगी। तो हम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं क्या होगी। देखें पहला क्या है, रेवेन्यू। रेलेवेंट निकालते हैं रेवेन्यू। फूड और ड्रिंक, फूड है 200, 40% इंक्रीमेंटल है, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना हुआ? 80। ड्रिंक 170, ये भी कैपेसिटी के हिसाब से मूव हो रहा है, तो ये हो जाएगा 68, और ये हो गया टोटल 148 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब हमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालनी है। पहली कॉस्ट फूड कॉस्ट और ड्रिंक कॉस्ट वेरिएबल है, 40% से इंक्रीज होगी। फूड कॉस्ट, ड्रिंक कॉस्ट, ये दोनों तो वेरिएबल हो गए। 145 इंटू 40%, तो 145 का 40% कितना होगा? 58। इसी तरीके से 77 का 40% क्या होगा? 31। अब मसला है इसके अंदर स्टाफ कॉस्ट का। स्टाफ कॉस्ट, इसको हमें क्या लेना है? और दूसरा मसला है अदर कॉस्ट का, इसको हमें क्या लेना है? पहले अदर कॉस्ट को सॉल्व करते हैं। अदर कॉस्ट के बारे में उसने कहा है कि अदर कॉस्ट जो है ना, जो 20 की आ रही है उसमें ब्रेकअप कर लेते हैं। 40% जो है वो फिक्स्ड है, 8 ये फिक्स कॉस्ट है, तो 12 क्या हुई? वेरिएबल कॉस्ट। हाई लो मेथड पढ़ा होगा ना किसी जमाने में, इसी में ही पढ़ा होगा एमए के अंदर, कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम अलग अलग कर देते हैं। उसने अलग अलग करके बता दिया, तो इसका मतलब है ये तो नहीं चेंज होगी ना कैपेसिटी के साथ। कैपेसिटी के साथ तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी एग्जिस्टिंग कितनी है?
एग्जिस्टिंग है हमारी 12, ठीक है, कितने परसेंटेज से चेंज होगी वेरिएबल कॉस्ट? 12 का 40% होगा, 40% ही होगा ना 12 का, बीस का 60% ना, 20 का 60% का 40%, ठीक है, तो ये बनता है 4.8, 4.8 बनता है, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके 5 भी कर सकते हैं चाहे तो, 4.8 रहने दें। स्टाफ कॉस्ट देखें, स्टाफ कॉस्ट दी हुई है 40, ये 40 जो है ना वो हमारे चार स्टाफ की कॉस्ट है, हम एक एक्स्ट्रा स्टाफ रखना जा रहे हैं, चार को तो हम सैलरी वैसे ही देंगे, तो 40 हम चार को दे रहे थे, तो एक को कितनी दे रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ की कॉस्ट हमारे पास 10 आ रही होगी, कैसे निकाला, चार स्टाफ को 40 दे रहे हैं इक्वली, तो एक को 10 दे रहे होंगे, ये एक हमने एडिशनल स्टाफ हायर किया, तो वो चार की कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि वो तो हमें देनी है, कैपेसिटी एक्सटेंड ना भी हो तभी तब भी हम उसको देंगे। तो 58 + 31 + 10 + 4.8, 103.8, वैसे 104 कर देता, ये कॉस्ट आ गई, कैश फ्लो क्या हो जाएगा, 148 का रेवेन्यू, 104 की कॉस्ट, 148 - 104, तो रेलेवेंट कितना हुआ, हमें रेलेवेंट निकालना है, 104, 44 का रेलेवेंट कैश फ्लो, 44,000 का रेलेवेंट कैश फ्लो आंसर आ जाएगा, 44,000। तो देखिए रेलेवेंट और इररेलेवेंट पर ग्रिप होनी चाहिए, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए रेलेवेंट क्या होता है, इररेलेवेंट क्या होता है, खासतौर पे फिक्स्ड और वेरिएबल का जो मसला है उसको क्लियर कर लेना। चलें, अब एक और मसला आता है स्टूडेंट के साथ कि उन्हें जब कहा जाता है कि एनुअल रेट निकालें, अफेक्टिव रेट निकालें, तो प्रॉब्लम में आते हैं, फंस जाते हैं। देखें, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ 2.1% कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स? 3 मंथ्स का मतलब होता है क्वार्टर। आप एक बैंक में जाएं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दें, वो आपको हर क्वार्टर में 2.1 देगा, 2.1 आपको देगा पहले क्वार्टर में, आप विड्रॉ ना करें, दोबारा इन्वेस्ट कर दें, फिर आपको नेक्स्ट क्वार्टर में 2.1 पुराने वाले पर, 2.1 दोबारा इन्वेस्टमेंट पे देगा, 2.1 मिलेगा, फिर 2.1 मिलेगा परसेंटेज, फिर 2.1% मिलेगा, तो आपको साल में चार मरतबा 2.1 मिल रहा है, ठीक है। अगर ये कंपाउंडेड नहीं होता, अगर ये कंपाउंडेड नहीं होता और मैं इसे विड्रॉ करता रहता हर 3 महीने बाद, तो चारों को प्लस कर दें, 8.4 आंसर आ जाता, ठीक है, बगैर उसके कितना आंसर आ रहा है, 8.4। तो इसका मतलब है जो अफेक्टिव होगा ना एनुअल, इसको अफेक्टिव भी कहते हैं, वो अफेक्टिव 8.4 से हमेशा ज्यादा होगा। पहले तो इसको रिजेक्ट कर दिया मैंने, क्या यार ये तो नहीं हो सकता ना कि मुझे उतना ही मिले जितना मिलना है, ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा जी, अच्छा दूसरी चीज क्या है, क्या 8.4 हो सकता है? देखिए 8.4 भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे नॉर्मल मिल रहा है। अच्छा 8.4 से करीब करीब होगा, लेट्स कैलकुलेट, 1 + आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड कितना है, 2.1, 2.1 बोले तो 2.1 कितना बनता है, 2.1 / 100 कर दे तो 0.021, 021 ये हो गया। साल में चार क्वार्टर आते हैं, साल में कितने क्वार्टर आते हैं, चार क्वार्टर आते हैं, तो पावर क्या लग गई, 4 और -1, ठीक है, फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, 1 + r/n - 1, अफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला,
सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 + 0.021 power 4 - 1 × 100 8.67 आया क्लोज, 8.4 से क्लोज आंसर आ रहा है, सी आंसर। तब इसको ट्राई कर लें, इसको इसको कंपाउंडेड सेमी एनुअली करके कर लें, इसको कंपाउंडेड मंथली करके कर लें, एक मरतबा इस तरह से सॉल्व कर लें, तो सारी वेरिएशन इसके अंदर आप लोगों की कवर हो जाएगी, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सवाल देखें, इसी से मिलता जुलता सवाल, अच्छा हम जो भी प्रैक्टिस सेशन रखेंगे ना, प्रैक्टिस सेशन के लिए स्टूडेंट से पहले पूछा जाएगा कि आपको किस टॉपिक में ज्यादा मसले होते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट से पोल करवाया तो उन्होंने कहा जी मेजॉरिटी ने कि हमें कैपिटल बजटिंग में मसला है, तो हमने एक पहला लाइव लेक्चर कैपिटल बजटिंग पे करवा दी। अब दोबारा देखेंगे, अगर कोई कहता है कि जी मुझे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, जिसमें मेजॉरिटी एग्री करेंगे हम पहले करवाएंगे, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी एरियाज को करवाएंगे। एक दिन छोड़ के अगले दिन लाइव सेशन होगा, और लाइव सेशन की ड्यूरेशन होगी हमारी नॉर्मली 1 घंटा, ठीक है। तो आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टली यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी, और अगर आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स में वहां पर जाके पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें, इट्स अप टू यू। सवाल देखें, हाईएस्ट एनुअल इफेक्टिव रेट किसका होगा, कॉमन सेंस से सोचें पहले, जितनी कंपाउंडिंग ज्यादा हो रही होगी, कॉमन सेंस तो ये कहता है। चार बैंक अकाउंट है, पहला बैंक अकाउंट, इसमें हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। देखें यहाँ पर क्वार्टर नहीं दिया हुआ, ये इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट क्वार्टरली हो रहा है, बैंक ने कोट किया पर एनम। दूसरे में क्या है, 12% पर एनम, लेकिन कैलकुलेटेड मंथली क्वार्टरली, 1.2% इंटरेस्ट पर मंथ, यहाँ उसने पर मंथ दे दिया, 3% पर क्वार्टर ये दे दिया, यहाँ पर उसने ये नहीं बताया अलग करके, किसका आंसर ज्यादा होगा। तो अगर 3 इंटरेस्ट पर क्वार्टर मिल रहा है तो 3 + 3 + 3 + 3 12 से तो ज्यादा होगा। इसी तरह 1.2 मिल रहा है तो ये 14.4 से तो ज्यादा होगा, इसका मतलब बैंक अकाउंट नंबर 3 का आंसर देखने में ज्यादा लग रहा है। 12% इंटरेस्ट पर एनम है और कैलकुलेटेड मंथली हो रहा है, तो 12 / 12 1% पर एनम है, 1% पर एनम बनेगा, सॉरी पर मंथ बनेगा, ये 1% पर मंथ बनता है, पर मंथ। तो जो तीसरा वाला है वो है 1.2 इंटरेस्ट पर मंथ, तीसरा वाला ज्यादा है इससे, 10% पर एनम क्वार्टरली, तो 4 से डिवाइड कर दे, 2.5% पर क्वार्टर ये बनता है, साल में 10 बनता है, ज्यादा से ज्यादा 11-12 हो जाएगा। तो देखने में क्या लग रहा है, देखने में मुझे ये लग रहा है, देखने में लग रहा है बगैर कैलकुलेशन के, मैं कह रहा हूं कि ये आंसर हो सकता है बगैर कैलकुलेशन के, लेकिन मुझे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन से पता लगेगा कि आंसर एक्चुअली क्या आना है, ठीक है। और मुझे डाउट किसमें हो रहा है, वो डाउट मैं चेक कर लेता हूँ, तीसरे में हो रहा है ना, 1 + 1.2% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, 0.012 पर मंथ है, पावर कितनी हो गई, 12। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 1 + 0.012 power 12 - 1 × 100 15.38%, ठीक है। अच्छा फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, 1 + 0.03 power 4 - 1 × 100 12.5, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये ज्यादा नहीं है, और पहले और दूसरे को तो हम वैसे ही डिस्कार्ड कर चुके हैं, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सी का 3।